रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे और एसडीएम ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और कलेक्टर ने लोगों से चर्चा की, साथ ही लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रायगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने 5 स्थानों पर सरकारी क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, साथ ही 7 शहर के होटलों को भी पेड क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां फिलहाल 123 व्यक्तियों को रखा गया है। हमारे होटल श्री तारा को हमने 1 फ्लोर का क्वारंटाइन सेंटर के लिए दिया हुआ है। इसमें नियम है कि जो बाहर दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं उनको कलेक्टर गाइडलाइन या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार 1 हफ्ते क्वारंटाइन होना है। तो जो लोग सक्षम है, जो होटल में अपने स्तर के हिसाब से रूम ले लेते हैं, जिनको जहाँ भी अपनी सुविधा मिलती है, हमने भी अपने 1 फ्लोर को क्वारंटाइन के लिए दिया हुआ है। और जिसमें हम उनको जो रुकते हैं उनको एक कमरे में रुकते हैं, उनको दोनों समय का खाना देते हैं। और इसी तारतम्य में आज कलेक्टर साहब हमारे होटल के निरीक्षण में आए थे और बहुत ही खुश हुए हमारी व्यवस्था देख के। साफ सफाई और कोविड नियमों का जो हम पालन कर रहे हैं उससे बेहद संतुष्ट होकर गए। आज कलेक्टर सर के साथ अल सुबह हम लोग सारे क्वारंटाइन सेंटर गए थे। लगभग आज के डेट में 123 लोग रुके हुए हमारे जो शासकीय 5 क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ पर सब जितने प्रवासी लोग हैं उनसे मुखातिब भी हुए। ज्यादातर लोग जो हैं प्लांट के जो ठेकेदार वाले लेबर क्लास के हैं या फिर कोई स्किल लेबर हैं, वो सब रुके हुए हैं। इसके बाद हम पेड क्वारंटाइन में गए। हमारे जो साकेत होटल है और तारा होटल है, यहाँ पर बहुत अच्छे प्रबंध के साथ इन्हें रखा गया है। सारे पेड क्वारंटाइन के रेट तय हैं और वो उनको बाहर, उनको उसमें 2 टाइम का खाना भी इंक्लूडेड है। इसके साथ ही उनको बाहर आने जाने पर पाबंदी भी है। तो कलेक्टर सर इस व्यवस्था से काफी खुश दिखे।